क्रियाकलाप एक। आपकी कक्षा में कुर्सी, टेबल, बेंच आदि रखे होंगे। इन सभी को एक एक कर एक ऊंचाई तक उठाकर देखें। अब बताइए, इनमें से किस वस्तु को एक ही ऊंचाई तक उठाने में आपको सबसे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा और क्यों? एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। बल व विस्थापन पता होने पर हम कार्य की गणना कर सकते हैं। मान लें किसी वस्तु पर एक नियत बल F लगाने पर वस्तु अपनी क्रिया बिंदु से S दूरी विस्थापित होती है, जैसा कि चित्र क्रमांक 5 में दर्शाया गया है। कार्य की वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार किए गए कार्य का मान बल तथा वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात किया गया कार्य बराबर बल गुणित वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। W = Fs। अतः कार्य एक अदिश राशि है। हम जानते हैं कि बल की SI इकाई न्यूटन N तथा दूरी की इकाई मीटर M होती है। अतः कार्य की इकाई अथवा मात्रक न्यूटन गुणित मीटर NM होगी। इसे जूल J भी कहा जाता है। समीकरण W = Fs में यदि F = 1 newton N, S = 1 meter M, तो W = Fs, W = 1 N × 1 M = 1 Nm न्यूटन मीटर या 1 जूल होगा। अर्थात 1 जूल J कार्य की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु को बल की दिशा में 1 m विस्थापित करती है। पुस्तकों से भरा एक बॉक्स दीवार से सटा हुआ है और आपके काफी प्रयासों के बावजूद बॉक्स विस्थापित नहीं होता है। चित्र क्रमांक 6 में बताए अनुसार कार्य के समीकरण W = Fs को ध्यान में रखकर यहाँ कार्य की गणना करें। ऐसी और परिस्थितियों के बारे में सोचें जहाँ बल लगने पर भी वस्तु में विस्थापन न हो। क्या कोई ऐसी परिस्थिति भी सोची जा सकती है जहाँ बल न लगने पर भी विस्थापन हो? अपनी शिक्षिका शिक्षक से चर्चा करें। एक अन्य स्थिति पर विचार करें। मान लीजिए आप एक वस्तु पर F बल लगाते हैं और वस्तु S दूरी तक जाकर रुक जाती है। चित्र क्रमांक 7। पहला, जब आप वस्तु पर बल F लगाते हैं तब वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है। यहाँ बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, अर्थात W = Fs। दूसरा, वस्तु पर उसकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में घर्षण बल F कार्य करता है, जिसके कारण वस्तु S दूरी तक जाकर रुक जाती है। इस स्थिति में घर्षण बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। यहाँ पर दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री है, अर्थात W = Fs। अतः वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु का विस्थापन समान दिशा में हो तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, और यदि बल तथा वस्तु का विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है।